नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। आज विश्व विकलांग दिवस है। हर साल 3 दिसंबर को ये दिन दुनिया भर में दिव्यांगों की समाज में मौजूदा स्थिति, उन्हें आगे बढ़ाने और सुनहरे भविष्य के भावी कल्याणकारी योजनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस का महत्व तब बढ़ जाता है जब बात विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की आती है। यही एक ऐसा दिन होता है जब विकलांग व्यक्तियों के कल्याण की बातें की जाती हैं। समाज में हो रही उपेक्षा और उन्हें हीन भावना से देखे जाने वाली बातों पर अंकुश लगाने के लिए ये दिन खास अहमियत रखता है। इस साल पूर्ण सहभागिता और समानता की थीम को चुना गया है। इस थीम के तहत समाज में विकलांगों को बराबरी के अवसर, उनके अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करने और सामान्य नागरिकों की तरह ही उनकी सेहत पर ध्यान देने के साथ सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना इस थीम का उद्देश्य है। विकलांगता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि वो किसी तरीके से कमजोर है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आम लोगों की तुलना में ज्यादा आत्मबल वो है और उनमें ज्यादा इच्छा शक्ति होती है। 1992 के बाद से ही दुनिया भर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता आ रहा है। दिव्यांग दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति करुणा, आत्मसम्मान और उनके जीवन को बेहतर बनाने के समर्थन के उद्देश्य से ही मनाया जाता है। कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों के साथ साथ दुनिया भर के विकलांगों के अधिकारों की रक्षा करने और बाधा मुक्त समाज स्थापित करने में कुछ प्रगति हासिल हुई है। हालांकि विकलांगों को हाशिए पर रखने वाली पर्यावरणीय, सामाजिक और कानूनी बाधाएं अभी भी मौजूद हैं। रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विकलांगों को अब तक पूरे अधिकार नहीं मिल पाए हैं। आज भी विश्व में दिव्यांगों को लेकर कई सारी समस्याएं हैं। इन बाधा रूपी समस्याओं को मिटाने के लिए ही इस एक दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व भर में विश्व विकलांगता दिवस को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। भारत में कला प्रदर्शनियों का आयोजन होता है जहां दिव्यांगों द्वारा बनाई गई विशेष कलाकृतियां प्रस्तुत की जाती हैं। इसके अलावा भी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।